हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे क्लास फोर की बुक से, जो कि अपना है चैप्टर नंबर 7, जो है मिश्र संक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में मिक्स्ड ऑपरेशंस बोलते हैं। चलिए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है यहाँ पर दिया गया है, श्यामा, गुरुचरण और नैन्सी अपने दोस्त रिजवान के घर आए हुए हैं। सलमा दीदी भी आई हुई हैं। दीदी ने सभी का हालचाल लिया और पढ़ाई के बारे में पूछा। सभी ने बताया कि उन्हें जोड़ घटाना, गुणा और भाग करना आता है, या फिर वो लोग जो है गुणा, जोड़ घटाना, भाग करना जानते हैं। सलमा दीदी ने उन्हें एक सवाल हल करने को दिया, मतलब सलमा दीदी ने एक सवाल दिया जो कि उनको हल करना था, जो कि मिक्स्ड ऑपरेशन में था। ठीक है, मिश्र संक्रिया में था। यहाँ पे जो है 4 × 3 धन 8, भागे 2 ऋण 4 है। तो सभी बोल पड़े, अरे जोड़ घटाना, गुणा और भाग सभी एक ही सवाल में, वाह मजा आ गया, अभी हल करते हैं। तो सभी लोग जो है हल करना शुरू करते हैं। उसके बाद पहले बच्चे ने हल किया और उसका उत्तर जो है 22 आया। फिर दूसरे बच्चे ने हल निकाला, उसका उत्तर जो है 4 आया। और तीसरे बच्चे ने उत्तर निकाला, उसका जो है 10 आया। और चौथे बच्चे ने जब हल किया तो उसका जो है आंसर 16 आया। तो आगे देख लेते हैं। अब एक प्रश्न के इतने सारे आंसर तो सही हो नहीं सकते हैं, तो इसके पीछे एक संक्रिया होती है जिसको आगे बताया जा रहा है। सभी अपने अपने हल को सही बताने में जुट गए। क्या आप बता सकते हैं किसका हल सही है? तो आइए मिश्र संक्रियाओं के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो जहाँ पर मिश्र संक्रियाएँ होती हैं, उस प्रश्न को हल करना होता है, तो उसमें भागु जो घ, ये चीज़ आप याद रखिए, भ से भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना है। तो हमको ये प्रक्रिया देखनी है। अगर पूरे सवाल में अगर भाग है तो पहले भाग करेंगे, फिर हम लोग गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ की प्रक्रिया करेंगे, फिर घटाना की प्रक्रिया करेंगे। आइए देख लेते हैं। तो हल करते समय आइए पहले समझते हैं, पहले हम भाग की प्रक्रिया करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाने की प्रक्रिया। अब सभी बच्चों को हल करने के लिए फिर दिया गया। अब सब लोग इसको हल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, गुणा है, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर भाग है। तो सबसे पहले हम भाग की प्रक्रिया करेंगे। इन दोनों अंकों के बीच जो भाग की प्रक्रिया है, इसको हम करेंगे। 8 / 2 है, तो जब 8 में आप 2 का भाग देंगे तो 2 का पार्ट पढ़ेंगे, 2 × 6 = 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 4 आ गया, देख रहे हैं आप, यहाँ पर 4 आ गया। बाकी आप उसी तरह से लिख लेंगे, 4 × 3 धन 4 ऋण 6। अब उसके बाद गुणा करने की प्रक्रिया आती है, तो गुणा करेंगे, तो गुणा आपका जो है यहाँ पर है, तो हम इस गुणा को करके फिर नीचे लिख देंगे, तो 4 × 3 = 12, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 12 लिखा गया। अब उसके बाद आगे का जो है उसको हम उसी तरह से उतार लेंगे, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 4 = 16, आप इसको जोड़कर देख लेंगे। उसके बाद आगे वाला अंक हम उसी तरह से उतार लेंगे, -6, तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रक्रिया को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, अच्छे से डिनोट किया गया है, बताया गया है। तो हमने पहले जो है भाग किया, फिर गुणा किया, फिर जोड़ किया, अंत में जो है हम लोगों ने घटाने की प्रक्रिया को किया। तो चलिए स्वयं करके यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हल करना है स्वयं, चलिए हल करके देख सकते हैं। तो पहला है 8 × 12 = 6। सबसे पहले हमको यहाँ पर लिख लेना है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इसको आप लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, याद भी रहेगा। आपको किस प्रकार करना है, पहले भाग देखना है तो इसमें पूरा भाग है नहीं, फिर गुणा देखना है, गुणा भी इसमें है नहीं, फिर जोड़ देखना है, तो जोड़, 12 में 8 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 10, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर बराबर करके हम लिख दे रहे हैं, इन दोनों को आप छोड़ के लिख देंगे, ये हो जाएगा 8 × 2 = 10, यहाँ से लगाइए कि 1 × 1 = 2, तो ये हो गया 12 × 8 = 20। अब इसी में से आपको 6 घटाना है, तो आप 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, गुणा है, जोड़ है, भाग नहीं है, तो गुणा करेंगे, 6 × 3 = 18 हो जाएगा ये, ठीक है, 18 इसको करके आप लिख देंगे, धन 10 करेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भाग है, तो भाग पहले कर लेंगे, तो 2 का पहाड़ पढ़ेंगे, 6 से ज़्यादा ना हो, तो 2 × 3 = 6, फिर यहाँ पर धन है, फिर 4 × 4 है,
अब जो है गुणा कर लेंगे तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर धन 3, तो ये हो जाएगा 6 3 9, और आपका आंसर आ जाएगा ये 19। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जो है 2 घटाना है और 1 जोड़ है। चलिए सबसे पहले जोड़ की प्रक्रिया कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 5 12 की 2, वहाँ से लगा 1 1 1 2 1 3, तो ये आपका हो गया 32। माइनस 5 कर दीजिए, फिर माइनस 3 कर दीजिए, तो बारी बारी सब घटा लीजिए। तो 32 में से पहले 5 घटाइए आप, ठीक, तो 12 में से 5 गए, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर इसमें से आप 3 घटा दीजिए, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। आप इन दोनों ऋणात्मक को भी जोड़ करके डायरेक्ट घटा सकते हैं, क्योंकि समान चिन्ह में ये जुड़ा हो जाता है, -5 -3, तो ये हो जाएगा -8, और यहाँ पर आप 32 में से 8 घटाएंगे तो डायरेक्ट आपको जो है 24 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर 2 गुणा है और 1 जोड़ बीच में है, पहले गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, फिर धन लगा देंगे हम, फिर 8 चौका 32 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 1 4, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 42, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर जोड़ है, भाग घटाना। सबसे तो पहले हम भाग करेंगे, तो 4 का पहाड़ पढ़ेंगे, 12 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 4 3 12, बाकी चीज़ें हम उसी तरह से लिख लेंगे, ठीक, और यहाँ पर -9। अब उसके बाद गुणा है, तो गुणा देख लेंगे, तो गुणा 8 16 8 3 24 +3 -9, तो 24 में आप जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 -9, और जब आप इसमें 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 17, 17 में से 9 गए 8, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बचा, ठीक। तो यहाँ पर 17 में से 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, ठीक है। अब जो है इन सब चीज़ों को घटा कर भी लिख सकते हैं, ठीक, तो इसको भी देख सकते हैं आप, 17 17 में से 9 घटाना है तो ये हो जाएगा आपका 8, क्योंकि 8 8 16 और 1 17, 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा, मतलब इसको जोड़ने पर आपको ये ऊपर वाला मिल जा रहा है, तो इसका मतलब आपका सही है, और यहाँ पर 1 उधर चला गया 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, सलमा दीदी ने एक सवाल और हल करने को दिया, क्या सवाल है। मोहन के पिता के पास 2000 रुपये थे, उन्होंने अपने चारों बेटों में उसको बराबर बराबर बांट दिया, ठीक। मोहन की माँ ने भी 200 के 2 नोट दिए, ठीक, मोहन को जो है माँ ने जो है 200 के नोट दिए। मोहन ने अपने कुल रुपए में से 435 की शर्ट खरीदी, अब मोहन के पास कितने रुपए बचे हैं। तो मोहन के पिता के पास 2000 रुपए थे, उसने चारों बच्चों में बराबर बांटे, तो 2000 को पहले 4 बराबर भागों में हम लोग बांटेंगे, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 4 5 20, तो ये हो जाएगा आपका 500। अब उसके बाद जो है मोहन को जो है माँ ने भी 200 के 2 नोट दिए, 200 के 2 नोट मतलब यहाँ पर और जोड़ेंगे हम, 200 × 2 करेंगे, तो ये जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 500 प्लस, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये आपका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 5 4 900, ठीक। अब इसमें जो है 435 रुपये की टी शर्ट खरीदी, तो 435 रुपये इसमें से हम घटा देंगे। अब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर शून्य है, नहीं जाएगा, उधार आएगा, यहाँ पर भी नहीं है तो फिर यहाँ से उधार लेगा, तो यहाँ पर एक उधार चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर यहाँ से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 10, 10 में से 5 गए, यहाँ पर आ जाएगा 5, और उसके बाद यहाँ पर जो है 9, 9 में से 3 गए, आपका हो जाएगा 6, और यहाँ पर 8, 8 में से 4 गए 4, तो आपका जो है यहाँ पर 465 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से समझाया गया है, मोहन के पिता के पास 2000 रुपये थे, उसके बाद 4 बराबर भागों में बांटा गया, तो 500 रुपये एक बच्चे को मिले। मोहन के माँ के पास जो रुपए हैं 2 × 200, तो ये टोटल 400 हैं। मोहन के पास कुल कितना पैसा हो गया, 500, 400, तो ये हो गया 900। शर्ट खरीदने के लिए मोहन के पास जो शेष रुपए बचे हैं 900 - 435, तो ये हो जाएगा आपका 465, और मोहन के पास शेष जो पैसे हैं घटा देंगे तो आप इसको जो है 465 प्राप्त कर लेंगे।
इसको जो है इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले सभी चीज़ों को लिख दीजिए, ठीक है। 2000 भागे 4, फिर इसमें धन करना है, 2 गुणे 200 करना है, जो उसकी माँ के पास पैसे हैं जो दिए हैं, और उसके बाद घटाना कितना है, 435। तो ये आप जो है आपको बताया गया, तो भाग करेंगे सबसे पहले, भाग हो गया, फिर उसके बाद आगे लिख देंगे उसी प्रकार से, फिर भाग के बाद गुणा करेंगे, तो ये फिर बाकी आगे लिख देंगे, 900 माइनस 435, ये आपका जो है 465 रुपये आपको बच जाएंगे। आप स्वयं करो। बबीता ने जो है 500 रुपये अपने दो भाइयों राकेश और महेश को बराबर बराबर बांटे। महेश के पास 50 रुपये पहले से थे, तो महेश ने 20 20 रुपये की 3 चॉकलेट खरीदी। तो महेश के पास कितने रुपए बचे, इस सवाल का जवाब हमको देना है। तो दोनों तरीके से हल करना है। चलिए सबसे पहला तरीका देख लेते हैं। 500 रुपये को दो भाइयों में बांटा जाएगा, 500 भागे 2 करेंगे, जो आपका हो जाएगा 250 रुपये, ठीक। अब महेश के पास 50 रुपये पहले से थे, तो यहाँ पर 50 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 300, ठीक। 5 5 10 0 2 1 3 हो जाएगा। अब 20 20 रुपये की जो है 3 चॉकलेट महेश ने खरीदी। अब 20 रुपये की 3 चॉकलेट मतलब कि 20 थिया 60 रुपया, ठीक। अब इसको जो है इसमें से हम घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 0। फिर यहाँ पर 10 में 6 गए 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, तो ये हो गया 240। अब इसको जो है सामान्य तरीके से, जो कि हमारा नियम है, उससे पहले बना के लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा 500, इसमें भाग देना है कितने का हमको, 2 का, ठीक। और उसके बाद कितने रुपए पहले से थे, 50, तो यहाँ पर हम लिख देंगे धन 50। और उसके बाद 20 20 रुपए की चॉकलेट हमको घटानी है, चूँकि कितनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 गुणे 3 घटा के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले भाग, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 5 6 10, 250 प्लस 50 माइनस 20 गुणे 3। फिर इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा 250 प्लस 50 माइनस 20 थी 60। अब फिर हम जोड़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 250 में 50 जोड़ेंगे 300 माइनस फिर 60 कर देंगे। अब 60 करने के बाद यहाँ पर आपका 240 आंसर आ जाएगा। चलिए इसको जो है आपका दोनों आंसर सेम है। अब हमने जो है क्या क्या चीज़ें सीखी हैं इसको देख लेते हैं। मिश्र संख्याओं के प्रश्न को हल करने का एक निश्चित क्रम होता है, भाग गुणा जोड़ घटाना, जिसको जो है भागु जोग कहते हैं। इसमें जो है जो प्रक्रियाएं होती हैं, सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इसको जो है DMAS रूल भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। तो बाकी आगे जो है हमारा अभ्यास प्रश्न है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।